हरियाणा के झज्जर में फोन पे के जरिए पेमेंट करने की बात कहकर दुकानदारों से ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें 5 दुकानदारों ने ठगने की शिकायत की है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम सुमित, प्रदीप और निरंजन है। ये लोग दुकानदारों के पास जाते थे और उनसे नोटों की माला खरीदते थे और पेमेंट फोन पे के जरिए करने व पेमेंट न पहुंचने पर सर्वर डाउन होने की वजह बताकर वो ठगी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने बताया कि दमदमा मोहल्ला निवासी दुकानदार वीरेंद्र ने पुलिस को शिकायत दी कि 3 युवक उसकी दुकान पर आए थे और नोटों की माला लेकर चले गए। पेमेंट फोन पे के जरिए की गई थी, लेकिन पेमेंट नहीं पहुंची। ठगने वाले युवक उस दुकानदार को एक फोन नंबर देकर गए थे कि यदि पेमेंट न पहुंचे तो इस फोन पर उनसे संपर्क कर ले। वहीं पुलिस ने उस नंबर पर संपर्क किया तो वो किसी अन्य व्यक्ति का निकला। उस व्यक्ति ने बताया कि उसके गांव के ही 3 युवक इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने आज 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए युवकों ने बताया कि उन्होंने YouTube पर एक वीडियो देखा था, जिसमें फ्रॉड करने का जरिया बताया गया था, उसी को आजमाने के लिए उन्होंने इन वारदातों को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और मामला दर्ज कर युवकों को रिमांड पर लिया गया है। सर, ये साइबर क्राइम का क्या मामला है, ये ठगा बग्गी वाला सिस्टम? कुछ समय पहले शहर में 2-3 व्यापारियों से सामान लेकर ने और पैसे पे फोन के जरिए भेजने बारे कहा था उन्होंने, तो जब पैसे नहीं आए तो उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि सर्वर डाउन चल रहा है, पैसे आ जाएंगे। तो एक रमेश कुमार है दमदमा मोहल्ले का, तो उससे भी एक माला ली थी, माला लेते थे ये और सामान नहीं लेते थे, नोटों की माला लेते थे और उसको एक नंबर दे गए थे वे कि भी अगर नहीं आओ तो ये नंबर से आप कांटेक्ट कर लेना। हमने साइबर की मदद से उसका कांटेक्ट किया तो वो किसी और का था और उसने ये बताया कि हमारे गांव के सुमित, प्रदीप और वीरेंद्र है, ये इस प्रकार की वारदात करते हैं, उन्होंने पहले भी इस प्रकार किया है। उसके आधार पर हमने इनके घर रेड करी तो ये इनको काबू किया, पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी जिसमें फ्री ब्लैक्स मोबाइल्स कॉम नाम की एक साइट है, उसकी सहायता से फ्रॉड करने का तरीका बताया गया था और उसकी सहायता से ही हमने ये फ्रॉड किया है। उसमें जो मैसेज भेजते हैं मैसेज चला जाता है लेकिन पेमेंट नहीं जाती, तो इस प्रकार इन्होंने वो कराया। इन्होंने 5 वारदात कबूली है, 3 हमारे शहर की है और 1 रोहतक की है, 1 बाड़ंद गांव की। नोटों की माला कही है।